फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकविद डीबीएम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए केक की रेसिपी लाए। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी है, और आप घर पर बटर पेपर कैसे बनाएंगे वो भी हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केक की रेसिपी। बनाने के लिए हमने 3 बर्बन के बिस्किट के पैकेट लिए है, और 1 पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लिया है, और इनो की पूड़ी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केक की रेसिपी। हमने 3 बर्बन के बिस्किट के पैकेट को पैकेट में से निकाल कर मिक्सी के जार में डाल दिया है, और पार्ले जी के बिस्किट को भी हम पैकेट में से निकाल कर मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा कितना अच्छा बारीक ग्राइंड हो चुका है। एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें आधी कटोरी दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब हम इसमें इनोको पॉकेट ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। इसमें 1.5 चम्मच शुगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने घर पर ही बटर पेपर बनाया है। अब हम इसमें बटर लगा देंगे। आप देख सकते हो हमारा बटर पेपर रेडी हो चुका है। अब हम बाउल में अच्छे से बटर लगा देंगे ताकि हमारा केक चिपके ना। हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिएगा। इसमें डाला है और इसे अच्छी तरह फैला देना है। और इसमें बटर पेपर लगा देंगे। हम बैटर को बाउल में डाल देंगे। अब हम बाउल को अच्छे से हिला लेंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो एक समान हो जाए। तो हमने हाई फ्लेम पर गरम कर लिया था। अब इसके ऊपर नमक डाल देंगे और इसके ऊपर स्टैंड रखकर इसके ऊपर हमारा बैटर का बाउल रख देंगे और इसे ढक्कन से अच्छे से ढक देंगे और इसे लो फ्लेम में चलाएंगे हम। इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आइसिंग बनाने के लिए गैस के ऊपर रख दिया है और तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम वाली 4 कैडबरी ले ली थी, इसे हमने बॉल में निकाल कर तवे के ऊपर रख दिया है। अब इसमें बॉर्नविटा का पैकेट डाल देंगे और इसके ऊपर दूध डाल देंगे 1/2 कप, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हो हमारा आइसिंग रेडी हो चुका है। अब हम हमारे केक को देख लेंगे। आप देख सकते हो हमारा केक रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेंगे और इसे एक ट्रे में रख देंगे। आप देख सकते हो हमने वीडियो में किस तरह से इसे रखा है, इसी तरह हमें इसे पलटा लेना है और इसे निकाल लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि केक ठंडा होने के बाद ही निकालें। गाइस, आप देख रहे हो हमारा केक कितना स्पंजी बन चुका है। अब हम इसके ऊपर आइसिंग कर लेंगे। इसी तरह हमें अच्छे से लगाना है इसे सब तरफ से, चारों बाजू से। अब हम डेकोरेटिंग के लिए जेम्स का इस्तेमाल करेंगे।
देख सकते हो हमने किस तरह डेकोरेट किया है। हम इसके ऊपर चॉकलेट लगा देंगे, आप चाहे तो कैडबरी के टुकड़े भी लगा सकते हैं। देख सकते हो हमारा केक रेडी हो चुका है। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।